हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका म्यूजिक ट्यूटर मिस्टर आरबी। आज हम बात करेंगे क्यूबेस प्रो 12 के बारे में। आज की क्लास हमारी पहली क्लास रहेगी मेरे बिगनर भाइयों के लिए, क्योंकि मार्केट में म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स बहुत महंगे होते हैं। कई बार हम पैसों की वजह से अपने अंदर का टैलेंट खत्म कर देते हैं, बट मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तो चलो आओ हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब नई क्लास अपनी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले लेसन की तरफ। सबसे पहले हम क्यूबेस प्रो 12 ओपन करेंगे। ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। सबसे पहले हम यहाँ मोर पे जाएंगे और उसके बाद एम्प्टी ट्रैक सिलेक्ट करेंगे, अपना पाथ देंगे कहाँ पे भी करना है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, फोल्डर को हम नाम दे देंगे, मान लो मैंने दे दिया लेसन 1। इसको मार्क करके लेफ्ट क्लिक से मार्क करना है, उसके बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल ए से भी आप पूरा मार्क कर सकते हो, जैसे ये आया कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, और उसके बाद यहाँ बाहर क्लिक कर देना है। हमारा फोल्डर पड़ गया, उसको डबल क्लिक करके फोल्डर खोल लिया हमने, उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर, और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट आ गया। कंट्रोल सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोल सेव से हम अपने प्रोजेक्ट में जो भी करेंगे उसको सेव रख सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल वी, जो हमने लेसन 1 कॉपी किया था और वो पेस्ट हो चुका है, उसके बाद सेव कर देना है। अभी हमारा प्रोजेक्ट सही से खुल चुका है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाइयों कि हम गाना सुनते हैं, गाने में सिर्फ हमें गाना एक ट्रैक ही सुनता है, उसमें हम कितने ट्रैक बजाते हैं, कितने ट्रैक को क्रिएट करते हैं, कितने ट्रैक को रिकॉर्ड करते हैं, वो सारा आज आपको मैं इस क्लास में बताऊंगा। और सबसे पहले हमें यहाँ ऐड ट्रैक करना है। मान लो हमने यहाँ राइट क्लिक किया, यहाँ ऐड ट्रैक का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ऑडियो इनपुट्स कॉन्फ़िगरेशन, ऑडियो आउटपुट्स, नेम, काउंट। और सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन पे इसको क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास आ गया मोनो और स्टीरियो। मोनो क्या है, स्टीरियो क्या है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले हमें मोनो ट्रैक डालना है या स्टीरियो ट्रैक डालना है, कोई भी ट्रैक है, इसको यहाँ पे काउंट रखना है। काउंट मान लो मैंने 10 ट्रैक डालने, 10 डाल दिए, उसके बाद मैंने ऐड ट्रैक कर दिया, ठीक है, वो हमारे ट्रैक इधर आ गए। और यहाँ से हम स्क्रोल करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, ताकि हमें दिखने में आसानी हो हमने करना क्या है क्या नहीं करना। सबसे पहले आज का आपका ये था कि आपने एक प्रोजेक्ट डाला, फोल्डर बनाए, सेव किया उसको प्रोजेक्ट को, और ट्रैक्स डाले। और आज का हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आज का हमारा इतना ही रहेगा, और अगली क्लास में आपको मोनो और स्टीरियो के बारे में बताया जाएगा। और उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जो भी अगली क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप देखोगे। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।